शक्ति विंध्याचली पावन राव रे धाम नाम लेत बन जात है सब कर बिगड़े का विंध्याचल मंदिर में होला विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन वाजी विंध्याचल मंदिर में होला माई दर्शन वाजी छाया होला भर संसार कष्ट विसार लेही संकट हरणी भवानी समन में मिली है था संकट हरणी भवानी समन में मिली है था भाव के भुखाइल मैया भगतन के चिन्ह ले ली खोली देली बजर के वाड़े भाव के भुखाइल मैया भगतन के चीनी ले ली खोली देली बजर के वाड़ दिल से पुकार ली जग तरणी भवानी समन में मिली है ठार जग तरणी भवानी समन में मिली है ठार एक बार प्रेम से बड़ा सच्चे दरबार की निबिया के दरिया मैया के लागल हो सुहावन ये हो रमो लागे बड़ी सुहावन हो कि भोरवे हो भोरवे ना हो कि भोरवे हो भोरवे ना मैया मोरी झूलेली हो झूलू बाबा मैया मोरी झूलेली हो झूलू बाबा हो कि भोरवे हो भोरवे ना मैया मोरी झूलेली हो झूलू बाबा हो कि भोरवे हो भोरवे ना मैया मोरी झूलेली हो झूलू बाबा मैया जने दरबार में झूलवा झूलेले मैया दोने दरबार में जोने दरबार में आके सब कोई अपन भाग्य जगावेला आज कल्पना जी के साथ साथ हम बुला रहल बानी अपने आदरणीय जज मालिनी अवस्थी जी की तोहरे शरण हम आए रे जगदम्बे मैया तोहरे शरण हम आए रे जगदम्बे मैया रे जगदम्बे मैया स्वागत कर लेवे के अपने जज रवि किशन जी के बड़ा तेरा नाम खुशी वाली
हमनी के सब लोग मिलके स्वागत करत अली जा अपने वो कार्यक्रम में जवन मैया के गीतन के समर्पित बा, भक्ति गीतन के समर्पित बा। तो आई जा हमनी के स्वागत करत अली जा और आप लोग कहीं शुरुआत हो गई बाटे द्वितीय महायुद्ध अपने जस साहब लोगन के कुर्सी पर बैठा हो जाओ। जय माता दी। तो अब हम माई के वही चरण में जो आज के एपिसोड भक्ति गीतन के बा हमनी के बिहार के आन जिनकर पांचों कुर्सी एकदम हरियराइल बाटे और यूपी के शान भले यूपी के कुर्सी पांच के जवाब में तीन हो गई बा लेकिन हमनी के दुआ कैल जाए कि उत्तर प्रदेश के तीन लोग आगे इतना बड़ा झंडा गाड़े कि तीन लोग के सारी दुनिया पहचाने बिहार इनका से ऐसन संघर्ष करे सुर और लय ताल में कि आवे वाले दिन में देखे वाले लोगों के मजा आवे वह मजा के और भी आगे बढ़ाल जी वो आनंद के और भी आगे बढ़ावल जी जब हमनी के खाली कुर्सी पर आज ओकरा पर बैठे खातिर जिनका के हमनी के बुलोले बानी जा जी अपन समय देले बाड़े उनका परिचय खातिर एगो फिल्म बतावल काफी बा जौन फिल्म के संगीत सारी दुनिया में धूम मचा दहलस ओह फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर देवदास के म्यूजिक डायरेक्टर न जाने कितने फिल्म उनके हिस्सा में बाटे जौन इतिहास बन गई आज हमनी के अतिथि जजबानी इस्माइल दरबार साहब जोरदार ताली से स्वागत करें कि अपने सुर संग्राम में भैया की सबसे पहले माई के दरबार में इस्माइल दरबार का नमस्कार वाह 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 कार्यक्रम भक्ति संगीत में सजौले बानी जा हमनी के दुनिया जब नवरात्र मना रहल बाटे तो हम लोग भी अपने ए आंगन में मैया के आंगन सजा देले बानी जा लेकिन फिर भी घमासान तो रहबे करी सो अब हम बुला रहल बानी वही घमासान में भोजपुरी संगीत के महासंग्राम में बिहार के जवन लड़की हमेशा सुर के देले अपने साथे संघर्ष के दावत आ रहल बाड़ी बिहार के ममता रावत हमनी के बानी माई के सवारी और हमनी के आगे ना चली यूपी के कलाकारी Bye.
अब हम सीधे चलब इस्माइल दरबार भैया के पास। आप क्या सुनना चाहती हैं? जय भैया बोली हूँ, हमरा के स्वीकार हुई। एक तो वॉइस क्वालिटी जो आपकी है, एक जो ब्राइटनेस होना चाहिए जब आप गाती हो, तो आपको ऐसे लगना चाहिए कि आप बहुत फ्री होके गा रही हो, बहुत दबा कर गा रही थी आप। और सुर जो परफेक्ट नोट्स लगने चाहिए ना, वो बिल्कुल नहीं पकड़ रही थी आप, क्योंकि आपको सारा इतना अच्छा ऑर्केस्ट्रा बज रहा था, इतना करेक्ट टेम्पो में बज रहा था, हारमोनी करेक्ट मिल रहा था, तो उसको सुनकर आप अपना सुर मिला सकती थी, बट आपने लास्ट तक उनको भी नहीं सुना, आपने अपनी सुनाई पूरी पूरे गाने में। इनको मैं 15 देता हूँ। 15 ममता, आप 3 गो जज में से कोई के नंबर जान सके लू? रवि भैया, रवि किशन जी। ममता जी, हम देम आपके 35। 35 नंबर, इतना नंबर के डिफरेंस भैया इस्माइल भी आपस में। रवि भैया पहले से भी हमसे ज्यादा लंबे चौड़े थे बचपन से ही, इनका दिल हमसे पहले से ही बहुत बड़ा है, इन्होंने दिल खोल के दिया है। मालनी जी, लोक गीत की एकदम पारंपरिक धुन, और मुझे लगा कि नवरात्र में कहीं दूर गांव में कोई कैसेट बज रहा है, कहीं जगराता हो रहा है, जागरण हो रहा है, और मैं वही जो सदियों से चली आ रही है गाँव में वही धुन सुन रही हूँ। धुन पारंपरिक थी, आप उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, और उस पारंपरिकता को मेरे हिसाब से आपने अच्छा निभाया। इस्माइल दरबार भैया के नंबर हिला देले बाटे सबका के, और एक बार की सोचे के पड़ता कि का हमनी के नंबर जो देता नहीं जा ओकरा में कहीं ज्यादा तो नहीं या चढ़ा के कोई के रखत। इहो एगो बाटे घमासान भोजपुरी संगीत के महासंग्राम चले के हमनी के चल रहा बानी जा, ओह संगीत के महासंग्राम में जो भोजपुरी के बाटे जहाँ घमासान बाटे, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच भोजपुरी संगीत के सबसे बड़ा महायोद्धा किकरे पास बाटी, लेकिन ये जिंगा खड़ा रहे खातिन हर बार करे के पड़ी मजेदार परफॉर्मेंस। जोरदार ताली से स्वागत करे के माता के दरबार में यूपी के शान मनोहर बाबू की। माई के चुनरी लाल, माई के चोरी लाल, चोरी लाल हमार कुर्ता लाल, देखी बिहार में केवा माई के लाल। पूर्व से फूटली किरणियाँ हो जागर भोर भैल माई, पूर्व से फूटली किरणियाँ हो जागर भोर भैल के जगावेली मलिनियान हो जागा भोर भैल माई, पूर्व से फूटले पढ़ल
सच्चे दरबार की मनोहर बाबू खातिर हम सीधे भैया के पास चलब। मनोहर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपने जो भी गाया बहुत दिल से गाया, दिल से दिल तक पहुंचने वाली बात हर गायिका या गायक के अंदर होनी चाहिए, वो आपके अंदर है। सुर वाली बात है, थोड़ा रियाज करो तो सब सही हो जाएगा और मैं आपको 30 मार्क्स दे रहा हूँ। कीकर नंबर और जाना चाहता है कल्पना दीदी के। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, हमेशा मैं बोलती हूँ कि यू आर माई चॉकलेटी, और आज भी बहुत आपने लाज रखा इस मंच का, बहुत बहुत बढ़िया। बाकी नंबर है 30। बहुत दिल से गए मनोहर, बिल्कुल श्रद्धा भक्ति भाव से झूम कर रम कर, और मुझे लगता है कि आज ये कार्यक्रम देख रहे घर बैठे जितने भी लोग हैं, जो उपासे हैं, जो पूरी तरह से माई के रस में रंग में लाल रंग में पूरी तरह से डूबे हैं, भीगे हैं, वो आप जैसे कलाकारों के जरिए आज अपनी साध पूरी कर रहे होंगे। बहुत मन से गाया, उत्तर प्रदेश का लाज रखा, विलास करा, बाकी बहुत बड़ा भविष्य रहा। जय मिला जुला में ठीक बैठे, चल के अपनी कुर्सी पर विराजा और माई के गीतन में मस्त रहा। मचल बाटे भोजपुरी संगीत के महासंग्राम, हम बुला रहल बानी अब बिहार के आन ओह लड़की के, जौना के लोग अब खुशबू के नाम से जाने लागल बा। नारी के शोभा बढ़ाए वाली साड़ी है और दुश्मन के सामना करे वाली कटारी है। नईखा जा देख ले तो देख ले जा ए यूपी वाले के लोग, काहे कि हम ही झारखंड रांची बिहार के खुशबू कुमारी हूँ। जटा में बाड़ी है गंगा समाइल, अरे जटा में बाड़ी है गंगा समाइल, गौरवा में नाग आई हो दादा। जटा में बाड़ी है गंगा समाइल, गौरवा में नाग आई हो दादा। जाए तू कैलू, वह दुल्हा वाला खुद कैलू, कौन
हम खुशबू के बारे में कुछ भी सिर्फ इस्माइल दरबार भैया से सुनल जाए। इसने गाया ऐसे कि मुझे डर लग रहा था। अरे तो सुन ला कि मतलब डेराइला में नंबर कटेला। नहीं नहीं, इस लड़की के अंदर एक जो रियल फोक सिंगर की एक जो मजबूती होती है ना, वो बात है इस लड़की के अंदर। जितनी छोटी मासूम दिखाई दे रही है ये, उतनी खतरनाक अंदर से स्ट्रांग है ये एज ए सिंगर। अगर ये सही रियाज करेगी तो ये बहुत बड़ी सिंगर बन सकती है। इसलिए इनको मैं 32 मार्क्स दे रहा हूँ। 32, 15 नंबर और 32 नंबर, 15 नंबर और 30 नंबर के अंतर बहुत बड़ा होला। तू केकर नंबर जनरल चाहतो बता दो। मालिनी मैम। मालिनी जी, आज नंबर आपके लिए उतने ही हैं जितने जज साहब ने आपको, आदरणीय जज साहब ने दिए हैं, 32। कल्पना जी कुछ कहल चाह। मेरे हिसाब से सॉन्ग सिलेक्शन आपका बहुत बढ़िया था। बाकी इन लोगों ने जो भी कहा है उसको ध्यान से सुनो प्लीज, आगे तुम्हारे एपिसोड में काम आएगा। माई के कृपा भर से ले, और माई के कृपा से बड़े बड़े संग्राम जीतल जा सकेला, बड़े बड़े घमासान जीतल जा सकेला। आज खुशबू ओ तरफ बढ़ रहल बाड़ी, लेकिन यह घमासान में मैया के गीतन के भाव में डूबल, भोले बाबा के गीतन के भाव में डूबल,